हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये जाना है ब्रेकफास्ट। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ भी आएगी, माइक तो मैंने लगाया है वैसे, और क्योंकि यहाँ पे गंगा जी का शोर रहता है इस वजह से। और कैसे हैं आप लोग बताना। आज है सैटरडे है आज, और डेट है 14। और आजकल बीच में मेरा ब्लॉग नहीं रहा, मैं नीचे से आई तो उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। क्लिप ऐड कर दूँगी, थोड़ा बहुत मैंने बनाई है, देखूँगी ऐड करती हूँ या नहीं। और मैं हरिद्वार से आई थी, एग्ज़ाम ठीक हुआ, आप देखते हैं मेरिट कितनी जाती है। और हाँ, पता है क्या, मैंने ना ब्लॉग वो बनाया था, वीडियो बनाई थी, ब्लॉग तो नहीं, मैंने अपना जर्नी शेयर की थी कोविड की, जो मुझे कोविड हुआ था वो जर्नी मैंने शेयर की थी। तो दो पार्ट में था क्योंकि काफ़ी लंबा था, तो दो पार्ट में बना हुआ था दो पार्ट में। बट पता है वो जैसे जिस ऐप से हम वीडियो अपलोड करते हैं वो ना उसमें डाउनलोड ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, उसने दिखाया ही नहीं उसने, और मन ख़राब हो गया फिर मेरा, फिर मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। क्योंकि हो जाता ना, कितनी मेहनत से मैंने बनाया था और अपने आप अपने आंसू कंट्रोल करके, क्योंकि वो टाइम मेरे लाइफ का जो कहते हैं ना, जिसको इंसान कभी नहीं भूल सकता, वो ऐसा टाइम था, सबसे बुरा टाइम था वो टाइम। तो फिर बस वो वीडियो उसमें पता नहीं क्यों सपोर्ट ही नहीं करी, तो फिर मुझे डिलीट करनी पड़ी ऐसे, फिर मेरे मन में ऐसे ही ख़राब हो गया, फिर मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। मैंने कहा चलो क्या कर सकते हैं, जब नहीं जाना था उस वीडियो को तो इसलिए शायद वो ऐसे सपोर्ट ही नहीं। तो मैंने आज से ब्लॉग स्टार्ट किया, और कल मार्केट गई थी मैं, मम्मी को मम्मी बोल रही थी कि इनके लिए कपड़े लाने हैं बच्चों के लिए मेरे, तो फिर तब गई थी मैं। और गई मैं बिल्कुल ना, यहाँ तो पैदल ही पैदल जाते हैं, ऑटो वगैरह तो है नहीं, पास में ही मार्केट है, 15-10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का। लेकिन रास्ता ऐसे थोड़ा हल्की हल्की चढ़ाई है जैसे ना, हल्की हल्की चढ़ाई सी, और मतलब गई का सामान वगैरह भी लिए, तो उसके बाद आने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, पता है मेरा हाथ पांव ऐसे हो गए थे, बिल्कुल पांव ऐसे हो गए, चला नहीं जा रहा। फिर भाई को बोला, वो लेने आया फिर मुझे, फिर गाड़ी में आई, गए पैदल थे, बच्ची भाभी गई थी, मैं गई थी, और मेरा वो आरब गया था, और बड़ी वाली पीटी गई थी भाभी की, हम चार ही गए थे। तो फिर बस ऐसे ही चला नहीं गया, और आज भी ना पाँव में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आपको सुस्त सी भी लग रही होंगी, क्योंकि जब कहीं तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सर्द होता है। और आज मेरी छोटी वाली भतीजी, उसका भी ना परसों से फीवर हो रहा है, तो दवाई तो थी, दवाई दे रही थी लेकिन नहीं रुक रहा, तो आज उसे हॉस्पिटल ही ले जाएंगे। और बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो बहुत गंदा सा लगता है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को, ब्लॉग स्टार्ट तो कर ही दिया है, तो मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। तो फ्रेंड, भाभी लोग आ गए हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया आ गए हैं, और वो मम्मी की साड़ी टंगी हुई, इग्नोर करना आप लोग, हॉस्पिटल से आ गए हैं, बस अब देखते हैं दवाई का क्या असर होता है। तो मैं आपको बोल रही थी ना कपड़े लाए थे, तो दिखाती हूँ। तो ये हम लोग की जीन्स है, छोटे वाले की, और इतनी लंबी लंबी जीन्स आने लगी, देखो पता ही नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। और ये इसकी टी शर्ट है, फुल बाजू की लाई मैंने, क्योंकि अब वैसे भी सर्दी ही आ रही है। और ये अरब की टी शर्ट है, देखो हमारे बराबर हमारे बराबर हाथ हो गए बच्चों के, है ना। और ये इसकी जीन्स है, जीन्स इसने उसने तो मतलब आते ही बच्चों ने कपड़े ट्राई किए पहले। और ये अरब की जीन्स है, ये आपकी जीन्स, इसमें कलर ब्लैक सा लग रहा बट वो है ब्लू है। तो ये बच्चों के कपड़े रहे, और एक सूट मेरे लिए भैया से मंगवाया, मैं नहीं गई थी लेने, सूट लेने नहीं गई थी क्योंकि भैया के फ्रेंड की शॉप है, तो ये सूट है। और मैंने एक कॉटन का हल्का सा सूट मंगाया था, क्योंकि ऐसे तो मेरे पास बहुत है हैवी, और जैसे सफ़र में पहनने के लिए,
कॉटन के ठीक रहते हैं। तो ये है सूट, ये इसकी सलवार है, कुर्ता है और ये दुपट्टा है। अच्छा है सूट वैसे, ये ऐसा डेली यूज में भी यूज कर लो इन सूट का। ये है सूट, सलवार है और ये इसकी चुन्नी है, ये दुपट्टा इसका। और एक और दिखाती हूँ आपको, जब मैं गई थी ना हरिद्वार तो वहाँ से कुर्ती लेके आई थी, हस्बैंड ने जिद के वो मतलब यही था कि रक्षाबंधन में क्या पहनोगी क्या पहनोगी। तो मैंने तो रखी थी कुर्ती, एक मेरे पास थी बिल्कुल न्यू, फिर उन्होंने कहा ले लो मार्केट आए हैं तुम्हें। तो ये है कुर्ती, अभी अल्ट्रेशन करानी है, अभी अल्ट्रेशन करानी है क्योंकि बहुत मतलब बड़ी है, मतलब साइज बड़ा ही है। और ये है इसका प्लाजो, पैंट है, पैंट है प्लाजो है क्या, पैंट है शायद। ये है, ये है इसका दुपट्टा, साइड दुपट्टा है, वो जिनकी चौड़ाई कम होती है ना वो वाला दुपट्टा है ये। तो बताना कैसी लगी आप लोगों को शॉपिंग, आप लोगों को शॉपिंग कैसी लगी बताना। और बाल तो आप देख रहे हो मतलब समझ में, ये ना ऐसे हैं देखो, ये मतलब बाल शायद आधे टूटे हैं और ये आधे आधे ऐसे बचे हुए हैं, देखो करली करली से हो रखे, ये नए आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो ये ऐसे बचे हुए आ रहे, पता नहीं नए आ रहे हैं कि ये आधे रास्ते से टूटे हैं बाल, कुछ पता नहीं चल रहा। तो चलो थोड़ा ये है कि, और डॉक्टर ने कहा ना कि उसकी पट्टी वगैरह रखनी है, तो भाभी काम करेंगी तो मैं रख लेती हूँ। तो सो फ्रेंड्स, सो के हम उठ गए हैं और दिखाया मैंने बच्चे कैसे सो रहे थे, दिन में सब मेरे साथ ही सोते हैं। और अभी मैंने ना इयर रिंग्स निकाल रखे हैं और अभी भतीजी की तबीयत भी मेरी ठीक है अब। और अभी मैं बिंदी वगैरह लगा रही थी तो बोली बुआ मेरा मेकअप करो, बुआ मेरा मेकअप करो। मैंने कहा चलो वीडियो का एंड करती हूँ, ये देखो ये हनु ने बिंदी लगा ली, चल मेरी बिंदी खराब करो, वही रखो आराम, नहीं निकालो बेटा, आप गर्ल हो क्या। ओ माय गॉड, देखा आपने क्या चिल्ला रही है, सही हो गया। मम्मी की जेची बन गई, आई जी मम्मी की जेची बन गई। अभी मैं अंदर वाले रूम में आ गई हूँ और बच्चे बहुत शोर कर रहे, बहुत शोर, और कॉल भी आ रहा है, सॉरी तो कॉल भी आ रहा था और आप सुन ही रहे होंगे बाहर नॉइस। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।